दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं हूँ जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल सके। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है या कोई कंप्लेन है तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें आप संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, मालवनी क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज यहाँ पर मालवनी गेट नंबर 6 पर मोहल्ला कमेटी का आयोजन किया गया था और हमारे साथ न्यूली अपॉइंटेड नव निर्वाचित सीनियर पीआई चीमा जी अड़ाव साहब है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप आज यहाँ पर मोहल्ला कमेटी रखी गई है, आप इंचार्ज होते ही यहाँ का चार्ज लेते ही आपने मोहल्ला कमेटी रखा, यहाँ के जितने लोग हैं जनता है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली मैं 97 के बाद में भी यहाँ पे काम किया है, काफ़ी लोग पहचान के हैं, लेकिन जिनका भी पहचान नहीं या बीच में जो गैप पड़ा था वो भरने के लिए आज का एक मीटिंग रखा था। सभी लोगों से बात करना या उनसे परिचय करना या उनकी क्या अड़चने हैं या वो जो भी कुछ काम कर रहे उसमें मेरा क्या सहयोग लगेगा, वो हिसाब से थोड़ा सा इंटरेक्शन करना था। डीसीपी साहब भी हमारे ये मीटिंग में आए, उन्होंने भी हमारे को मार्गदर्शन किया, एसीपी साहब ने मार्गदर्शन किया और वही आज एक वजह थी कि हम लोगों का कुछ व्यूज़ है या ध्येय है वो कैसे अचीव करें। आज यहाँ पर हमने मोहल्ला कमेटी में देखा कि लोगों ने नशा को लेकर बहुत लोगों ने बात किया, नशा मुक्त करने के लिए मालवनी को, इस पर आप हमारे दर्शकों क्या कहेंगे? नशा ये मालवनी का पहले से प्रॉब्लम है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रोका सकते हैं ये एक कोशिश है और इसमें भी अपने मोहल्ला कमेटी का हमको काफ़ी सहयोग लगेगा, क्योंकि सिर्फ बेचना ये तो है ही है लेकिन उसमें जो बलित है जो पीते हैं उनको कैसे सुधारेंगे, ये चीज़ हम आपके सहायता मदद से और एनजीओ के मदद से हम लोग खुद पुराकार लेके उसको आगे जो छोटे मोटे बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं उन पे तक पहुँचाएँगे और उनको जो कुछ है जो भी मदद लगेगा मेडिकली या बाकी का एनजीओ का वो हम प्रोवाइड करेंगे। वो एक उसके नशा के साथ साथ यहाँ ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फुटपाथ नहीं है लोगों को चलने के लिए, काफ़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी पूरा ध्यान रखेंगे। जो रोड पे पार्किंग है वो पार्किंग के लिए हम चालान करने का या वो हटाने का जितना भी कोशिश है जो भी पॉसिबल वेज है, पार्किंग का कुछ स्लॉट निकलता है क्या वो एक देख लेंगे और ट्रैफिक को कैसे रेगुलराइज किया जाएगा उसके लिए ट्रैफिक ब्रांच का और बाकी एनजीओस का, बाकी अपने यहाँ के मोहल्ला कमेटी के और पर्सनल कुछ काम करने वाले भी है जो अपने पुलिस फ्रेंड बोलते हैं उनका मदद लेके उसको भी अपन कोशिश करेंगे जितना रेगुलराइज किया जाएगा। सर, जनता को एक बहुत ही दिक्कत होती है, जल्दी एफआईआर और एनसी नहीं लिखा जाता है तो उस पर उनमें एक डर भी रहता है, वहाँ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बराबर से बात नहीं करते, ऐसा उनका मतलब रिएक्शन रहता है, क्या कह रहे हैं? ठीक है, ऐसा कुछ होता है तो मैं वहाँ पे बैठा हूँ, कोई भी कंप्लेनेंट कभी भी डायरेक्टली मेरे पास आ सकता है, उसको किसी को साथ में लाने का या कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर हमारे आपके जैसे लोगों के पास कमेटी मेंबर के पास कोई आता है तो उसको आप डायरेक्ट मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसका प्रॉपरली जो भी रेगुलर है, काफ़ी उसमें ये होता है कि टेक्निकली क्या है क्या नहीं वो जानने के बाद में उसको मार्गदर्शन करना वो सब चीज़ें है, तो ड्यूटी ऑफिसर थोड़ा सा उसमें बाकी के केसेस में बिजी रहता है तो वो मार्गदर्शन नहीं कर पाता, एक्शन भी कुछ चीज़ों से आगे पीछे होता है, आरोपी भाग जाता है या सामने वाला मिलता नहीं, तो वो सब चीज़ें हम हो सके उतना जल्दी करने का मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समाधान करने का कोशिश करूँगा। मोहल्ला कमेटी की मीटिंग काफ़ी दिनों से गैप थी और आज आपने चालू किया, बहुत अच्छी बात है, इस तरीके की मीटिंग आगे भी जारी रहेगी? जी जी, इस तरह की मीटिंग हर कोई त्यौहार आता है, समाज का कोई भी फंक्शन आता है तो वो टाइम आप लोगों का एक्टिव रहना हम लोगों के साथ में यार, हम लोगों का आपके साथ में एक्टिव रहना और हम लोगों के यानी सरकार के जो मैसेजेस है वो मैसेज आपके पास आपके थ्रू जनता के पास पहुंचना वो काफ़ी ज़रूरी होता है और उसके लिए हम लोगों का मिलना भी बार बार हफ्ते में 15 दिन में जैसे भी सिचुएशन रहेगा हम लोग मिलते रहेंगे। सर, मीडिया कर्मी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभेच्छा हमारी तरफ से, आखिर में आप ये यहाँ के मालवनी की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? हर आदमी का सक्सेस है वो मीडिया और जनता ये दोनों के साथ में ही आगे चलता है और आप लोग अगर मुझे साथ देंगे तो सक्सेस हमारा पूरा मालवनी का सक्सेस रहेगा, मीडिया का भी सक्सेस रहेगा और उसमें मैं पूरा कोशिश करूँगा सब लोगों को साथ में लेके चलने का।